कर दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर वन का जब आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 9 पर्यावरण से संबंधित है। दोस्तों, मैंने आप जब मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनमें ऑलमोस्ट मैं सारा टॉपिक जो यूनिट 9 में दिया हुआ है मैं कवर करा दिया हूँ। दोस्तों, उन्हीं से संबंधित, उसी चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हम इस लेक्चर में देखेंगे। एक तरह से कहें तो ये हिडन सिलेबस है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्येक साल आता है इनसे एग्ज़ाम में। तो हम सब एक एक कर देखते हैं, महत्वपूर्ण तत्व है, और आप पूरा वीडियो को देखें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हिंदी माध्यम से जो भी स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, जिनका मीडियम हिंदी है, वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्त को भी सलाह करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम है, क्या थीम रहा है, तो आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। मैंने हिंदी में एक दो का लिख दिया, अदरवाइज आप इंग्लिश में ही याद रखें। तो प्राकृतिक के लिए समय, इनका थीम क्या रहा है 2020 विश्व पर्यावरण दिवस का, तो प्राकृतिक के लिए समय इंग्लिश में है, टाइम फॉर नेचर। तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 2020 का क्या थीम रहा है, क्लाइमेट एक्शन। क्या रहा है, क्लाइमेट एक्शन। आपको इंग्लिश में ही इसके थीम याद रखने हैं क्योंकि हिंदी में कुछ भाषा से संबंधित प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में याद रखना है। तो किस तारीख को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है दोस्तों, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का क्या थीम रहा है, तो आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आपको ज़्यादातर संभावना यही रहती है इनके थीम पूछने की, तो ये थीम आ सकते हैं, तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2020 का क्या थीम रहा है, वेटलैंड्स एंड बायोडावर सिटी, आर्द्रभूमि और जैव विविधता। तो आपको याद रखना है क्या 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, इनका थीम 2020 का क्या रहा है, वेटलैंड्स एंड बायोडावर सिटी। दोस्तों, आर्द्रभूमि से ही संबंधित है, मैंने स्टार लगाकर पॉइंट को राइट डाउन किया हुआ हूँ। तो रामसर कन्वेंशन, आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है या किन से संबंधित है। तो सबसे पहले ये जानिए, रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 को ये गठित किया गया था। इसका आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था। और ये जो है ईरान का एक जगह का नाम है रामसर, तो वहीं पर ये कन्वेंशन हुआ था। और ये संबंधित किससे है, तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो आपको डायरेक्ट हिट करना है कि अगर रामसर कन्वेंशन पूछा गया कब इनका गठन हुआ, 1971 में, और 2 फरवरी, इसी कारण से 2 फरवरी को प्रत्येक साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो संबंधित किससे है, आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रामसर कन्वेंशन जो साइट है भारत में कितने हैं, तो रिसेंट टाइम तक जो है 27 आर्द्रभूमि क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। तो भारत में 27 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं ये राइट डाउन किया हुआ हूँ, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। IUCN, पहले इनका फुल फॉर्म जानिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर ऑफ नेचर। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN का फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाएगा। और IUCN किससे संबंधित है, आगे मैं देखता हूँ। तो इनका इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 5 अक्टूबर 1948। तो 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस में इनका इस्टेब्लिश हुआ था। इनका हेड क्वार्टर कहाँ है, ग्लेंड स्विट्ज़रलैंड में है। तो आपको याद रखना है। इनका कार्य क्या है दोस्तों, तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत रेड लिस्ट जारी करता है। तो आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि रेड लिस्ट कौन जारी करता है।
तो IUCN, IUCN का फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताने हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इनका हेड क्वार्टर कहाँ है, ग्लेंड स्विट्जरलैंड। कब स्थापित हुआ तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत रेड लिस्ट जारी करता है। तो रेड लिस्ट क्या है तो अब देखते हैं कि इसमें विभिन्न प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो आप जब न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन पढ़ते होंगे तो आपको सुनने में आता होगा कि कोई क्रोकोडाइल या तो कोई कछुआ को रेड डाटा सूची में इसको जोड़ दिया गया है। तो आपको उतने अंदर नहीं जाने हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि विभिन्न प्रजातियों के उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। तो पूछा जाएगा कि रेड लिस्ट कितने सूची हैं इनके, तो 9 श्रेणी है। सुभेद्र होता है, इनटेंजर होता है, डेंजर होता है, तो आपको वो नहीं जाना है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये 9 श्रेणियों की सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ जो कि इन्वायरमेंट जो है, क्लाइमेट चेंज वाले हैं, जो पर्यावरण मंत्रालय है भारत का, तो के अधीन एक संगठन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन रिपोर्ट 2019 जारी किया गया है। ये केमा रिपोर्ट है, तो आपसे पूछा जाएगा, ये 16वीं रिपोर्ट है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट जो फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है भारत की, वो 16वीं रिपोर्ट जारी किया। इनके अंतर्गत एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक संगठन है, उन्होंने 2019 में 16वीं वन रिपोर्ट जारी किया है। तो इनमें जो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में है, मिजोरम है, जिनका जो प्रतिशत है 85.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम है, जो कि इनका क्षेत्रफल है सर्वाधिक वनावरण में 77,482। तो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा कि हाल ही में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत वन रिपोर्ट जारी किया है वो कौन सा रिपोर्ट था, तो 16वीं रिपोर्ट है। और पूछा जाएगा कि प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा प्रथम राज्य रहा है, तो मिजोरम रहा है। इनका प्रतिशत क्या है, 85.41। और क्षेत्रफल के दृष्टि से प्रथम राज्य कौन रहा है, मध्य प्रदेश, 77,482 इनका क्षेत्रफल रहा है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 24.56% है। तो आपको ये बातें याद रखना है, कितना है जो वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल का जो है 24.56% है। तो दोस्तों, अगर आपको वन रिपोर्ट से संबंधित और डेप्थ में जाना है, कुछ और जानकारी लेना है, तो आप वन रिपोर्ट देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपने यूनिट 9 जो कि पर्यावरण से संबंधित था, आपने इस लेक्चर में कुछ उनके महत्वपूर्ण तत्व को जाना जिनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, मैं पुनः एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी छात्र UGC नेट पेपर 1 हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उनको कहें हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल से जुड़ने। एग्ज़ाम ओरिएंटेड संक्षेप में आपको कोई भी प्रलोभन नहीं, कोई भी उलझन नहीं, और आपको सटीक पढ़ना है और JRF आपको क्लियर करना है। दोस्तों, एक बात और है, जो भी छात्र हिंदी माध्यम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप सजेस्ट करें मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।